एंड सेडेटिव, सेडेटिव की तरह वर्क करता है, एक्ट एज एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव, ठीक है, की तरह वर्क करता है। और किससे ऑब्टेंड होता है? लेटेक्स ऑफ ओपियम पॉपी, ओपियम पॉपी यानी धतूरा, जानते हो धतूरा? धतूरा सब लोग जानते हो, जो शंकर जी में कांटेदार चलता है, है ना? अगर उसको दे दिया जाए, धीरे धीरे देने शुरू कर दिया जाए तो पागलपन कॉज हो जाएगा। ये सर्जरी के टाइम पे यूजफुल होता है, अंडर फिजिशियन देने में, बात समझ गए? मॉर्फिन जो है ये स्ट्रॉन्ग सेडेटिव है, और उस समय दिया जाता है जब कभी सर्जरी किसी चीज की चल रही है, तो उस समय डॉक्टर फिजिशियन जो है हमारी बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस ड्रग्स को देगी, बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस ड्रग्स को देगी। और जो आजकल ये ड्रग्स का कांड चल रहा है कि सभी लोग ड्रग्स लेते हैं, तो रियल बात है कि सभी लोग अफीम, गांजा, भांग, चरस, हशीश नॉर्मल पीते खाते रहते हैं, मतलब इंडस्ट्री के ये जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, ये कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आज ड्रग एडिक्ट ना हो, बहुत रेयर केसेस। मैम क्यों लेते हैं मैम ये ड्रग्स? यस मैम, कोई बेनिफिट होता है क्या? नहीं, क्या बेनिफिट होगा? आपका नर्वस डिसऑर्डर हो रहा है, आपको क्या बेनिफिट नजर आ रहा है? नर्वस डिसऑर्डर हो रहा है, लेते हैं मैम ये? मैम सभी लेते हैं लोग, सब? हाँ सब लेते हैं। मुझे तो लगता है शायद डाइटिंग वाइटिंग होता हो। नहीं डाइटिंग वाइटिंग नहीं, एक बात मैम, कुछ मैम शायद इससे ड्रग्स से मैम ब्यूटी वगैरह कुछ सही होती है शायद? कुछ नहीं सही होता है, ब्यूटी अगर ड्रग्स से सही होने लगे तो पार्लर में सबसे पहले ड्रग्स देने लगे लोग, इतना पैसा खर्च ही नहीं करे पार्लर जाके, जब ब्यूटी उससे मेंटेन हो तो दो चार सुट्टा लगा लो, कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, होता क्या है कि जो बियर होता है वो फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। आपने जो जितने भी फॉरनर होते उनको होंगी, उनको बल्कि नहीं देखा होगा, जितनी फॉरनर है वो सब पतली पतली सेक्टी सी दुबली दुबली रहती है, क्योंकि वो रेड रेड वाइन पीती रहती है, तो फैट का, क्योंकि वो लोग नॉनवेज भी खाते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन होता रहता है, फैट स्टोर नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं रहता, मेडिसिन के फॉर्म में लेते हैं तो किडनी स्टोन नहीं होता है। लेकिन चरस, हशीश, गांजा, भांग ये जो लोग खाते हैं वो सिर्फ अपने मजे के लिए खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे ऐसा, अगर आप लेते हैं तो इससे आपको कोई बेनिफिट है। आपका नर्वस डिसऑर्डर हो रहा है, आपका सेल्फ कंट्रोल खत्म हो रहा है, आपकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, सीधे आप बैठ नहीं पाएंगे। अभी ये सुशांत सिंह केस में हुआ क्या, यही तो हो रहा था कि उसको स्लो ड्रग्स दी जा रही थी भयानक वाली, और डेली डेली उसको चाय कॉफी में दी जाती थी। ड्रग्स असर करने का तरीका होता है किसके साथ दी जाए, कैसे दी जाए, खत्म हो गया उसके अंदर और मरमुरा गया, मार डाला गया, जो भी हुआ। तो आज 98% लोग ड्रग एडिक्ट हैं, और ये सोचो कि उससे कुछ मिल रहा है, उससे कुछ नहीं मिल रहा है, बस मस्ती में झूम रहा है, मस्ती हो रही है। कहते जिंदगी में फ्रीडम है, मतलब तो मरने के लिए भी फ्रीडम है, जिंदगी में फ्रीडम है, फ्री रहते हैं, जब मना पिया खाया, नाली में लोटे नहीं, नाले में लोट गए जाके, ये सब कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं हमको दर्द हो रहा है या हमको कोई दुख है इससे पीने जा रहा है, तो जब हम पीते हैं तो दुख को याद कर करके पीते हैं तो दुख और याद आता है, तो फिर क्या करने जा रहे हैं? वो बस अपना नर्वस इम्बेलेंस हो जाता है, नशे में दुख तो के सो जाओ, दिन दुनिया से लगता है दिन दुनिया सब बेकार है, सिर्फ हमें ही मस्त, बस ये करने जाते हैं लोग। मैम इसकी आदत भी तो पड़ जाती है फिर? आदत पड़ेगी जरूर, अगर आप एक टाइम पे आज 5 बजे नशा लेने लगो तो 5 बजे कम से कम 2.5-3 साल बाद आपको उस समय आपकी बॉडी फिजियोलॉजी आपका नर्वस कंट्रोल कहने लगेगा कि आपको चाहिए, नहीं तो आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, ऐंठने लगेंगे। जो ज्यादा ड्रिंक करता है उसका हाथ भी इतना कांपता है, चाय का कप उठाने में उसका हाथ कांपने लगेगा, अगर चेन ड्रिंकर है कोई, क्योंकि उसका नशा भाई रात में तुमने 2-4 बोतल चढ़ा लिया और सुबह एकदम बढ़िया चौकस नींद में 10-11 बजे उठे और आपको सुबह की चाय दी जाए तो आप कभी सुबह की चाय मन से पियेंगे ही नहीं, क्योंकि नशा अभी उतरा नहीं है और चाय से नशा और चलता है, तो आपकी इच्छा नहीं करेगी पीने की, तो ये नर्वस डिसऑर्डर ही तो कॉज कर रहे हैं। बाकी हमको कोई पर्टिकुलर बेनिफिट हो, पर्टिकुलर कुछ नहीं बेनिफिट है, कोई एक व्यक्ति का बेनिफिट नहीं है, बस हाँ उस समय के लिए जब हम नशे में है तो हमको ये नहीं लगता कि हम दुनिया में है, तो हमारी कोई दुनिया भी है, पर हमारी वही दुनिया रहती है जिसमें हम विचरण कर रहे होते हैं, बस इतना फायदा है। और उसके बाद नुकसान कितना है कि अगर आपकी इस नशे की आदत को कोई जान जाए तो आपको किसी भी टाइम किसी भी टाइप का नशा दे सकता है, आप उस नशे से कुछ गड़बड़ काम भी कर सकते हैं, नशे का वो फायदा उठा के आपको मार सकता है,
नुकसान उसके इतने सारे हैं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की कैपेसिटी खत्म हो गई है, आपको कभी भी डिमोरलाइज कर सकता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आप बेकार इंसान हो चुके हैं, और डिमोरलाइज हो जाएगा इंसान, बड़ा हंसते हंसते हो जाएगा कि हाँ यार हम नहीं कर सकते, मेरे शरीर में ताकत नहीं है। बस ये है ड्रग, इसी को कहते हैं एडिक्शन, इसी को कहते हैं ड्रग एडिक्शन। लोगे तो चलोगे, नहीं मिला तो वही बैठ जाओगे। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? अगर हम ड्रग्स लेंगे, हाँ बोलो उसका लीफ का जो लैटेक्स है, मतलब ओपियम पॉपी का जो फ्रूट है उसका लैटेक्स है, उसको हम पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे, तो उससे जो मिल्की वाइट सब्सटेंस होगा उसको सुखा कर उसमें केमिकल सब्सटेंस मिलाकर तब मॉर्फिन बनाएंगे हम, और उसको पैकेट में भरवा के बेचेंगे। यानी अभी आप लोगों ने मूवी में देखा होगा एक नशा होता है जिसको कागज पे, क्या हुआ क्या ओपियम, ये ओपियम डेरिवेटिव, ओपियम डेरिवेटिव का मतलब ओपियम से ऑब्टेन होने वाला, ओपियम डेरिवेटिव का मतलब होता है ओपियम से ऑब्टेन होने वाला। बात समझ गए? ओपियम से ऑब्टेन होने वाले को हम लोग ओपियम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। जितने उसके लैटेक्स से बने, उसकी पत्ती से बने, उसके फूल से बने, जितने भी हैं, इनको हम लोग ओपियम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ये बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? नार्कोटिक्स भी ओपियम डेरिवेटिव हुआ? हाँ, नार्कोटिक्स तो ओपियम, ओपियम नार्कोटिक्स तो हम लोगों ने कहा ही था उसको, हम लोगों ने पहले भी तो ओपियम नार्कोटिक्स ही बोला था उसको, कि ओपियम से ऑब्टेन होने वाले नशीले पदार्थ। अगर हम इसको सिंपल कहें तो ओपियम पॉपी से ऑब्टेन होने वाले नशीले पदार्थ को हम लोग ओपियम डेरिवेटिव्स या ओपियम नार्कोटिक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें मॉर्फिन डॉक्टर देते हैं और हम भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्टर ही देगा। इतना आपने देखा होगा मूवी में, देखो उसमें क्या है, अगर हम लोग देखते क्या है कि अगर ये लैटेक्स इससे सब ऑब्टेन हो रहा है तो हम लोग उसको अपने मन से भी लेने लगते हैं। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, एक कागज पे पुड़िया खोलते हैं और पुड़िया पे इतना जरा सा पाउडर होता है और उसको ऐसे झुक के सूंघ लेते हैं, उससे नशा हो जाता है। ड्रग्स लेने के बाद में हमारा माइंड जो है तेज काम करता है या स्लो? नहीं, स्लो इनएक्टिवेट हो जाता है। मैम आपने वो एक मूवी देखी होगी मैम, हॉलीवुड की मैम, लूसी। हाँ। तो मैम उसमें मैम वो लड़की ड्रग्स लेती है, और मैम उसका जितनी ज्यादा ड्रग्स लेती है मैम वो उतना ही ज्यादा उसका माइंड मैम करता है वो वर्क, और मैम 190% वो अपनी आंखों से हिला देती है सब चीज को। हाँ, 100% हो जाता उसका, फिर मर जाती है। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हमारे वहां पर जहाँ से हम आए हैं, हमारा होम टाउन है, आपको ये बात हम बता रहे हैं कि जैसे मेरी आदत है चाय पी के पढ़ाने की, तो ये भी एडिक्शन ही है कि हमको चाय मिलनी चाहिए बैच के बीच में, ऐसा लगता है, लगता है। हमारे वहां पर एक टीचर है जो ड्रिंक करके ही पढ़ाते हैं, और इतना गजब का पढ़ाते हैं कि एक क्लास में बच्चा सुई तक गिर जाएगी तो आवाज आ जाएगी, इतना पिन ड्रॉप साइलेंट, कम से कम 200 लोगों का बैच चलता है, माइक से पढ़ाते हैं, और वो इतना पैग पी कर ही एक क्लास में जाते हैं। 24 hours पीते हैं, समझ लो 24 hours पीते हैं, इतना पैक पी लेंगे फिर जाएंगे। वो नशे में नहीं रहते हैं, वो उनकी आदत पड़ चुकी है इतना झूमने की, और कभी तुम उनको क्लास में भी सीधा खड़ा नहीं देखोगे, इतने हाथ पर उनके लुंज पुंज ढीले होकर पढ़ाते हैं, लेकिन क्या गजब पढ़ाते हैं कि एकदम दिमाग में छक्का चला जाए। ये उन्होंने अपनी एक मेडिसिन, एक एडिक्शन बना रखा है, किसी को नशा लेके दिमाग काम करता है उसने एडिक्शन बना रखा है, वो धुत नहीं हो रहा है, वो क्वांटिटी एक लिमिट ले रहा है। जैसे आजकल थिनर सबके पास होता है, तो थिनर में जो लिक्विड पड़ता है उसको हैंकी में रख के लोग सूंघते हैं, तो क्या नशे में रहते हैं? लेकिन उनको थोड़ी देर बाद बड़ी दुनिया मस्त लगती है, ऐसा लगता है दुनिया में सब कुछ बड़ा हल्का हो गया महसूस कर, उनको हाइपरटेंशन नहीं रहती, अरे ये कैसे होगा, उन्हें नशे में लगता है हम सब कुछ कर लेंगे, हमसे ज्यादा राजा तो कोई है ही नहीं, इसलिए वो हर काम को कर लेते हैं। और हमारे पास दिमाग रहता है तो हम लोग दिमाग का इस्तेमाल बहुत करते हैं, इन्नी में चिन्नी निकालने की हम लोग की आदत है, क्योंकि हम लोग कोई ड्रग्स वग्स तो लेते नहीं है, तो हम लोग दूसरे के दिमाग में ही परेशान रहते हैं
इसलिए हम लोग जिंदगी में कम कर पाते हैं। बात समझ गए? जैसे तुमने ले लिया, नशे में धुत हो गए, अब तुमको कह दिया कि ये काम तुमको करना है इतने टाइम में, तो उसने अपना बैग उठाया, पी लिया, और वो अब बैल की तरह जुटा हुआ उस काम को करने में। लेकिन हम दिमाग लगाएंगे कि हमसे क्यों इतना काम कहा जा रहा है, इसके क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, वो नहीं सोचेगा। उसको करना है, मतलब अपने धुन में काम करना है। लगन अगर किसी की लग गई तो वो काम वो कर लेगा, चाहे पीने वाला ही क्यों ना हो। और पीने वालों को लग जाती है, पीने वालों को लत और लगन दोनों लग जाती है। अगर उन्हें किसी को मारना है, उन्होंने सोच लिया है, तो चाहे वो पी के मारे या बिना पीने पाए, वो मारेंगे जरूर उस आदमी को। बात समझ गए? और हम लोग नहीं मारेंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे इस चीज को। क्यों? क्योंकि CNS हम लोगों का बहुत ज्यादा वर्क करता है ना। एक तो भगवान ने दिया, वही बात, एक डायलॉग नहीं है, भेजा तो दिया मगर भेजे में कुछ नहीं भेजा। ठीक है, तो हम लोगों को दिमाग देके भगवान कुछ खुद पछता रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया कि हम लोग अपने ब्रेन का यूज करके अपने ही लिए गड्ढा खोदते हैं। बाकी ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हो जो हम लोगों के लिए गड्ढा खोद ले, हम लोग खुद गड्ढा खोदते हैं अपने लिए। क्या यूज करके? ब्रेन। Yes. बस समझ गए? कोई ब्लैक कॉफी पी के जग के पड़ता है, लेकिन हाँ एक समय आता है जब ये सब चीजें दिक्कत करती हैं। जब ग्रोइंग एज है तो इंसान चल लेता है, पढ़ लेता है, समझ लेता है, ये मॉर्फिन ऑफिन गांजा भांग सब खा लोगे। लेकिन जब उम्र ढलेगी तो फिर ये नुकसान करेगा, फिर ये दिक्कत करेगा। बस समझ रहे? अगर पापा बाबा पीने लगे, जैसे बाबा बहुत बचपन से पीते आ रहे हैं हुक्का, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 80, 85, 89, 98 ईयर्स जी लेंगे। हम लोग पीने लगे तो अभी तीन जगह से तो चढ़े हो जाएंगे, तीन जगह से फिर खा तो रहे नहीं, पी और रहे हैं, तो हमको ड्रिंक पिए डाल रही है। जो लोग खाते पीते हैं वो मतलब पीने के साथ खाते भी हैं, वो अच्छी चीज है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? मॉर्फिन की बात समझ में आई? Yes, हाँ, सब लोग yes, नशे में चले गए क्या? yes, आ गई ना, यानी हाँ हमने सोचा सब लोग चले गए, सबको लत लग गई। अब जरा देखो, सर्जरी हो रही है, काटा पीटी हो रही है, अब तुम्हारे जीते जी तुमको कोई काटे पीटे तो तुम स्ट्रेचर पे लेटे रहोगे, उठ के मार दो झड़ाम से जा पर, तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, चाहे दर्द से कितना भी करा रहे हो। मॉर्फिन दे दी गई, कैंची चल रही तुम्हें पता चल रहा है, कैंची से पेट कट रहा ये भी पता चल रहा है, उस जगह दर्द नहीं हो रहा है, बस ये पता नहीं चल रहा है। बस समझ गए? क्योंकि अब तो एनेस्थीसिया ऐसा दिया नहीं जाता कि ब्रेन से डायरेक्टली इफेक्टेड हो, एनेस्थीसिया ऐसा दिया जाता कि बस उतना पार्ट इफेक्टेड। तो मैम ये उस पार्ट में मैम क्या कर देता है मॉर्फिन? मॉर्फिन क्या करता है कि जैसे ये पार्ट स्टमक करना है, थाइस में मॉर्फिन दे दिया गया, यहां से मॉर्फिन दे दिया गया, तो क्या करेगा, इस पार्ट की नर्व एंडिंग्स ये आ रही हैं, ब्लॉक कर देगा, इन नर्व एंडिंग्स को ब्लॉक कर दिया, सेंसेशन आएगा यही से लौट जाएगा, इफेक्टर तक पहुंचेगा ही नहीं कि इफेक्टर ले और लौटे। मैम आपको एक होती है ओशे की दवा और एक होती है सुंगने वाली, तो सुंगने वाली तो एक पर्टिकुलर में होती होगी ना? नहीं, क्वेश्चन इस बारे में से बोलो। दो होती है ना, मीन्स एक बेहोश कर देती है पूरा और दूसरा सुन कर देती है बस उस पार्ट को। हाँ हाँ, तो अब बेहोश करने वाले एनेस्थीसिया होता है, अब जो बेहोश करने वाली दवा वो दी नहीं जाती है, क्योंकि 98% लोग खाते पीते हैं और एनेस्थीसिया किसी किसी को ज्यादा असर कर जाती है, तो मतलब होश आना तो 4 घंटे में 8 घंटे में होश ही नहीं है और बेहोशी बेहोश में टिकट कट गया। इसलिए अब एक हाइपर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई कि बस उतने पार्ट को आप सुन कर दीजिए, बाकी इंसान को होश में रहने दीजिए, और लोग जो डरते हैं उनकी आंखों में पट्टी लग दी जाती है, वरना जो देख सकते हैं वो देखते रहते हैं, हम तो देखते रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लोग खुद देखे बेहोश हो जाते हैं, अपना अपना डर है। मॉर्फिन वाली बात समझ में आ गई? ये दर्द को कम करती है मॉर्फिन, और कब दी जाती है, हाथ पैर कट जाते हैं या कोई मेजर सर्जरी चल रही है तो उस समय मॉर्फिन दी जाती है, जिससे जब दर्द से होश आएगा, कौंसल आई, तो कौंसल आने के बाद जो भीषण दर्द होगा वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बस समझ रहे ना, कहीं किसी चीज का ऑपरेशन हुआ हो, काटा पीटी हो, स्टिचिंग लगी हो, होश में आने के बाद ऐसा लगता है कसम भगवान की जिसने मारा हमको, काटा पीटी करी मिल जाए बस,
तो मैम एनेस्थीसिया में मैम बाद में दर्द नहीं होता है क्या? नहीं होता क्या? नहीं बाद में दर्द होती है, होश में आ जाओ तो अपनी असली हैसियत पता ही चल जाएगी कि हम कितने पानी में दर्द के मारे मरे जा रहे हैं। लेकिन जब तक चुप रहो, जब तक हम ऑपरेशन कर रहे हैं, वरना लोग ऑपरेशन में हिल जाते हैं ना, पता लगा कैंची लगनी थी कहीं लग गई, कहीं पहुंच गई हार्ट में। ब्राउन शुगर कोमा चल हो जाता है, स्पाइनल में चली गई तो कोमा। हमारे यहाँ पे एक लोगों को कार्डियक अरेस्ट हुआ। हाँ ब्राउन शुगर ड्रग है और क्या, लेकिन ब्राउन ब्रेड ड्रग नहीं है। रिकमेंड होती है मैम ब्राउन शुगर की वाइट शुगर के ऊपर। हाँ तुम खा भी रहे हैं समझे ना, क्या हम कहते हैं कि ब्राउन शुगर बेटर देन वाइट शुगर। अरे ब्राउन शुगर केवल जो है जो हम लोग ही बन रही है, ब्राउन शुगर बेटर देन वाइट शुगर कहते हैं हम लोग, सैक्रिन इज बेटर देन शुगर भी तो कहते हैं, लेकिन जो सैक्रिन होती है वो नुकसान करती है। ब्राउन शुगर में अल्कोहल का कंटेंट आ रहा है। ब्राउन शुगर में जैसे जो क्रिस्टल है हम लोगों के जो इंसुलिन वाले को दिए जाते हैं, उनके शुगर के क्रिस्टल अलग आते हैं, उनमें मीठापन कम होता है। जैसे मिश्री, मिश्री में मीठापन कम होता है, और जो नॉर्मल शुगर के क्रिस्टल आते हैं जो बोन से पॉस्चराइज कराए जाते हैं, उनमें मीठापन ज्यादा होता है। बस समझ रहे नहीं समझ रहे? तो हम लोगों को ब्राउन शुगर हेरोइन का ये व्हाइट कलर का होता पाउडर, पाउडर कितने आया। इस हीरोइन को कॉमनली कॉमनली कहते हैं स्मैक। बस समझ गए, हीरोइन को बोलते हैं स्मैक। और इसका केमिकल फॉर्मूला है डाई एसिटिल मॉर्फिन, केमिकली इसका नाम है। ये हीरोइन वाले का क्या वो हीरोइन नहीं हीरोइन नहीं हीरोइन हीरोइन का अगर हम लोगों ने इसको हीरोइन कह दिया तो हीरोइनों को बुरा लग जाएगा। और ये सब लेते हैं, सब सब लेते हैं हम सब कौन, हम भी अरे हम क्यों लेंगे सॉरी मैम आप पानी पी लीजिए। यार क्या हो गया, देखो कंडीशन क्या आई कंडीशन हम लोग की क्या आ गई, इतने जोर से खांसी आ गई, आंसू निकल आए। हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्राउन शुगर है वो सब इन द सेंस, हम लोगों का सब कहने का मतलब था कि वो लोग लेते हैं जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। हाई प्रोफाइल हर पर्सन, ईच पर्सन, जितने भी हाई प्रोफाइल होते हैं वो सब टोटल इन ऑल किसी ना किसी ड्रग से सफर कर रहे होते हैं, कोई ना कोई ड्रग इंटेक करते हैं। क्या जी? बच्चे भी मैम? बच्चे इन द सेंस की 18-19 साल के बाद वो लोग बच्चे कहाँ रह जाते हैं? पंजाब की स्टेट में बहुत हुआ था ना। क्या चीज हम पंजाब और हरियाणा में बच्चे लेते थे वहां पे पहले बहुत एकदम से स्टार्ट हुआ था। नहीं नहीं अरे हम बता रहे ना, वहां पर जो लोग इतने हाई प्रोफाइल होते हैं उनके बच्चे बच्चे 18-19 साल में बच्चे थोड़ी रहते हैं, मतलब 15 के बाद वो बच्चे नहीं रहते हैं। जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनके पास मनी एक्सपेंडिचर का कोई हिसाब किताब नहीं है, आप उनके बच्चों में देखेंगे 80% आउटपुट जो है वो पाए जाते हैं। मतलब हुक्का वो तो लोग कहते हैं ना कि हुक्के में नशा कहाँ होता है, जो वो पेन वाला हुक्का पीते हैं जो लोग, तो कहते हैं हुक्के में नशा नहीं, तो जो अलग अलग फ्लेवर के आते हैं तो वो कॉमन हो गया, सिगरेट पीना कॉमन हो गया। स्कूल से बच्चे निकलते हैं स्कूल ड्रेस में नहीं है तो बच्चे आपको आपके पढ़ाई में बच्चे ही सिगरेट फूंकते मिल जाएंगे,
तो ये कॉमन चीजें हो गई है, इसीलिए तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है, नर्वस डिसऑर्डर इतना हो रहा है, इंसान जीरो फिगर तक पहुंचा जा रहा है, क्यों? क्योंकि इन सब चीजों को झेलने के लिए शरीर में कैपेसिटी भी होनी चाहिए ना, कैपेसिटी और उम्र, कैपेसिटी और उम्र नहीं है और ये सब काम कर रहे हैं तो बॉडी अपने आप डेवलप नहीं कर पाएगी। जब इतना लत्ती इंसान होता है उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाला जाता है, उसको सारा ड्रग लाने का जो गोरख धंधा बंद कर दिया जाए, तो वो क्या करता है, छिपकली को बॉइल करके उसका पानी पी लेता, जिंदा छिपकली पकड़ता है, खोलते पानी में डालता है, जो उससे पानी निकलता है उसको पी लेता है। सोचो ऐसे ऐसे महान लोग पड़े हैं जो खुद अगर बोलता है देखो छिपकली को तो मन नहीं किया करेगा कि इसको पिए, अब लोग पी लेते हैं, थिनर पी लेते हैं, नेल रिमूवर पी लेते हैं, ये अपना वो पी लेते हैं जो व्हाइटनर होता है उसको पी लेते हैं, तो पेटों में मैं जमता नहीं है वो। व्हाइटनर का लिक्विड, व्हाइटनर का जो लिक्विड है, जो लिक्विड डालते हैं व्हाइटनर बैलेंस से सीसी में आता है, वो क्या जमेगा, उसको रख के हैंकी में सूंघते रहते हैं, हैंकी पकड़े रहेंगे। पहले व्हाइटनर हर एक बैग में नहीं आपको दिखता था, अब हर एक पर्सन के बैग में व्हाइटनर आपको जरूर दिखाई देगा, और क्योंकि व्हाइटनर की जो बोतल आती है होता है ना सर, जिसको पता है वो करता है और जिसको नहीं पता वो सराउंडिंग बता देती है। ये बहुत डेंजरस होती है। तो मैम इसकी एज क्या होती है मैम, ये ड्रग्स वगैरह की? मैम ड्रग्स की एज मतलब ड्रग्स कब लेना चाहिए? हाँ मैम, भानु तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे नहीं मैम, आपने कहा था ना कि मैम आपने कहा था ना कि उसकी एज भी होनी चाहिए। एक्चुअल में क्या है, नहीं नहीं एक्चुअली क्या है, हमें कुछ मतलब सिम्टम्स अच्छे नहीं आए, ये क्वेश्चन पूछने के सिम्टम कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहा है। मानो भानु के दिमाग में चल रहा है कि स्कैपुला के नीचे पेन हो रहा है, इनमें से कोई ट्राई कर सकते हैं क्या मैम, अगर उम्र हो गई मेरी तो, है ना भानु? नहीं मैम, हम घर वाले मुझे भगा देंगे। एक्चुअल देखो होता क्या है कि ये उम्र उम्र का कुछ नहीं होता है, ये सब चीजें नुकसान करती हैं, ये उम्र से लेना देना नहीं है। आप अभी पिए 30-35 साल में पिए, फाइनली आप दर्द में ही जाएंगे, उसका रिजल्ट दिख रहा है, फ्यूचर दिख रहा है कि आपको प्रॉब्लम होगी, सीएनएस प्रॉब्लम भयंकर होगी, आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे, आपके हाथ पैरों में सिवरिंग होने लगेगी, हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ अगर किसी को स्टोन है तो डॉक्टर ये कहता है कि बियर दवा के रूप में पी लीजिए, तो अल्कोहल से जल्दी स्टोन किडनी की निकल जाती है। हाँ किसी किडनी की स्टोन जल्दी अल्कोहल से निकल जाती है, लेकिन वो इनटेक इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, केवल मेडिसिन के फॉर्म में, स्मॉल पैग, ये नहीं कि बोतल लिया डॉक्टर ने कहा ढंगाए जा रहे हैं पेट में, ऐसा नहीं। और ये जितना भी है अपनी सराउंडिंग्स को खराब कर देगा और आपको खुद को खराब कर देगा, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, आप चाहे जब लीजिए, जाना इसका अंत गर्त है कि जाना इस सब को लेके, चाहे कितना हाई प्रोफाइल हो, चाहे कितना भयंकर नशा करते हो, चाहे कितना अमीरी वाला नशा करते हो, लेकिन जाएंगे उसी में बंद के चार कंधों पे और एक एक दो मन लकड़ी पे ही जाना है, अंत दिख रहा है कुछ। हाँ मैम, तभी इस टॉपिक को मैम अब्यूज का भी वो यूज करा है, मतलब इसमें। हाँ क्यों, क्योंकि जैसे लोग क्या करते हैं कि जैसे ये सब नशा ले लेते हैं, तो नशा लेने से अनकॉन्शियसनेस तो होती है लेकिन इंसान बड़बड़ाता नहीं है, कभी बड़बड़ाता नहीं है। मेरा कानपुर में एक स्टूडेंट, आप लोगों के साथ बताया हमने कभी, वो इतना चेन ड्रिंकर है कि बंदा 6 साल तक 12th क्रॉस नहीं कर पाया, चेन ड्रिंकर, ऐसा कोई नशा नहीं जो उसने किया ना हो। और जब 6 साल वो हमको कोचिंग में मिला, तो आप उस बंदे से मिल लीजिए, थोरो इंग्लिश बोलता है, कभी निगाह उठा के बात नहीं करेगा, और इतना लंबा है तब भी मेरे पैर छूता है क्योंकि 12th में था वो, और 6 साल मतलब हम जब स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किए, मेरा नया नया दौर था, तब वो हमको स्टूडेंट मिला था, हमसे सर ने बोला था कि मैम एक स्टूडेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप उससे पहले मिल लीजिए, आप पढ़ा पाएंगे कि नहीं, और हमने पढ़ाते पढ़ाते उसको इतना मोटिवेट कर लिया कि आज वो बीफार्मा कर रहा है कैंपस से, और जॉब मिल रही उसको कम से कम 36,000 की, समझ रहे हो, और उसने नशा करना बंद कर दिया, पान खाता है अब भी, पान खाता है, इतना मोटिवेट कर लिया कि तय पे पहुंच गया कि इसका नशा करने का कॉस्ट क्या है। उसी स्टूडेंट ने हमको बताया था कि मैम कभी भी नशा करने वाला इंसान बड़बड़ाता नहीं है, और ये जो बड़बड़ाते हैं वो पहले से सोच के जाते हैं कि पी के आएंगे तो उसको गरियाना है, तो वो गरियाते हैं। आप कभी भी पीने वाले को देखना, अगर
पुलिस की ड्रेस देख लेगा तो ऐसे नमस्ते करने लगेगा, उसको ये पता ही, अब चार डंडे पड़ जाएंगे। इतनी अकल है, अपनी बाइक की चाबी और अपने घर का ताला उसको पता है, बाकी अंडरग्राउंड भगना शुरू कर देगा। ये नहीं होता है। उसी ने हमको ये बात बताई थी कि मैम हमने ऐसा कोई नशा नहीं जो हमने किया नहीं, हेरोइन, वो ब्राउन शुगर, ये स्मैक, मॉर्फिन, रेड वाइन, सब कुछ पीता था वो, मतलब कोई ऐसा नशा नहीं था जो उसने किया ना हो। लेकिन उसने खुद बताया कि रेड वाइन की बॉटल जो बड़ी आती है उसको पीने के बाद हमने कम से कम 30 किलोमीटर बाइक चलाई है बिल्कुल नॉर्मल। तो समझ लो ये सब जो करते हैं वो तो बदतमीजी करते हैं, ये सब कुछ नहीं, इसका इन सब से कुछ नहीं होता। बस समझ गया? मुझे सब मेरा कैसे जाता है? अरे शॉप में मेडिकल स्टोर पे हाँ मेडिकल स्टोर वाला तो तुमको मॉर्फिन दे ही रहा है, कह रहा है बेटा रिया हम तुम्हारे लिए हेरोइन बेच रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं चाहिए। एक्चुअल में जो जो लेता है उसका जुगाड़ बन जाता है, जो बियर की दुकान में बैठता है उसके उसके पास कॉन्ट्रैक्ट रहते सबके, ठीक है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट लिया करते हैं सब लेने वाले। और क्या, आपने देखा वो लॉकडाउन हो चाहे कंप्लीट लॉकडाउन हो चाहे अनलॉक हो, बियर की दुकान बंद नहीं हो सकती कभी। उसी से सबसे ज्यादा पैसा आता है, बस समझ रहे, उसी से सबसे ज्यादा पैसा आता है। तो अंग्रेजी, ठंडी, देसी सब खुली रहती है और पैसा कमाते हैं, समझ रहे हो। टेस्ट तो सबका बिटर होता है, बियर भी पियो तो टेस्ट बड़ा खारा खारा कड़वा कड़वा सा लगता है, ठीक है। मॉर्फिन के ऑप्टेंड फ्रॉम तो मैम ये नाक में से क्यों लेते हैं? तुरंत ब्रेन को अटैक कर जाए। कभी कभी मूवी में देखा होगा जो बड़े अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल होते हैं, वो लेने के बाद उनकी आंखें एक अजीब सी टाइप की हो जाती हैं और उसके बाद वो बात कर पाते हैं। हाँ, संजू फिल्म जो अंडरवर्ल्ड के डॉन होते हैं ना, जो अंडरवर्ल्ड के डॉन होते हैं कुछ मूवीज में, तो वो एक कागज पे रखते हैं, दूसरा कागज जलाते हैं और पतली पतली कागज की बनाते हैं, उससे सूंघ लेते हैं और उसके बाद ऐसे ऐसे करके टन, फिर उसके बाद बात करते हैं, डीलिंग करोड़ों की डीलिंग हो रही होती है उसके बाद। हाँ, समझ रहे हो? यस मैम। आप बहुत भी टेक कर सकते हैं बाय स्नॉटिंग, वही रखा कागज सूंघ लिया, समझ गए। ये हेरोइन का काम है, ये सर्जरी में ये सर्जरी करने लायक नहीं छोड़ती, इसको इसमें सर्जरी कराने में लिया जाता है, ये खुद की सर्जरी खुद कर देती है। ये स्मैक है, स्नॉटिंग के थ्रू ली जा सकती है, खा भी सकते हैं, चाट भी सकते हैं, जैसे मन चाहे वैसे कर ले लो। देखो एक कोरेक्स कफ सिरप आता ना, कोरेक्स कोरेक्स आता था कफ सिरप, कफ सिरप लोग नशे में यूज करने लगे थे, कोरेक्स पे बैन लग गया, क्योंकि खांसी का एक सिरप ही लो नशा हो जाता है, और कोरेक्स में अल्कोहल बहुत ज्यादा था तो कोरेक्स लोग पीने लगे थे, कोरेक्स पे बैन लग गया। फिर कोरेक्स लेने जाओगे मेडिकल स्टोर पे तो कोई शक नहीं करेगा, अगर बैग में रखा दिख गया तो भी कोई शक नहीं करेगा, अरे भाई दवा है, कब सिरप लिखा हुआ उसने, लेकिन है वो एक्चुअल में नशा, इसलिए उस पर बिल्कुल बैन लग गया है। मॉर्फिन के एक्चुअली वो एसिटिलेशन होता है रिएक्शन करने के बाद, रिएक्शन करने से मॉर्फिन के एक्चुअली इसमें एक एसिटिक ग्रुप जोड़ दिया गया है जिससे हेरोइन बन गया है। अच्छा, मतलब जो मॉर्फिन के अंदर वो जुड़ा और फिर वो हीरोइन बन गया। हाँ, वो हीरोइन बन गया, वरना वो मॉर्फिन ही नहीं कहने लगते इसको, जब ये जुड़ गया तो इसको हेरोइन कहने लगे, ये ब्राउन शुगर बना लिया जिसका कंपोजिशन डाई एसिटिल मॉर्फिन है, कलर व्हाइट है, ऑर्डर लेस है, मैट नहीं है, केवल ओपीएम डेरिवेटिव। हाँ और क्या, अगर किसी को ब्रेन का डिसऑर्डर कॉज करना है, अगर किसी को ब्रेन डिसऑर्डर कॉज करना है तो उस पर्सन को धतूरा नहीं आता है जो शंकर जी में चढ़ता है, थोड़ा 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 करके धतूरा खाने में देने लगो, इंसान मेंटल हो जाएगा। तो मैम शंकर जी धतूरा लेते हैं तो क्या क्या चीज
मैम शंकर जी भगवान जी हाँ हाँ धतूरा खाते थे क्या वो? अरे